दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी सफर में गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस वीडियो के अंदर हम पेपर थ्री को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और लाइक पेपर फोर जो एथिक्स का हुआ उसको मैं विद इन ट्वेल्व आवर्स टू फिफ्टीन आवर्स के अंदर मैं दे सकूँ मैं आपको आपके अपलोड कर दूंगा देखिए इस पेपर थ्री के जैसे पेपर हुआ जी पेपर वन जी एस टू भी हो गया है तो एक क्वेश्चन निकल के फेस्टर ऑफ ऑल आपके माइंड में आया होगा जो स्पेशली वो एक्सपीरियंस जो दिल्ली आगे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी में ही डिपेंडेंट हैं कि हाँ नहीं यार छोड़ो कोचिंग वोची में कुछ नहीं रखा सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे लेकिन जो बंदे कोचिंग लेने की सोच रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा क्या कोचिंग वालों की दुकान बंद होगी इस पेपर को देखने के बाद ट्रस्ट में यूपीएससी का डंडा कोचिंग वालों की तरफ भी बढ़ चुका है वो उनका हमेशा से एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है कि यू का कि भाई कोचिंग वालों को डीमोटिवेशन करना जितना ज़्यादा हो सके तो इस वजह से ये पेपर देखने के बाद तो ऑफकोर्स आपके मन में भी अब सवाल उठ रहे होंगे भाई काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद कोचिंग वाले सोच भी ना सके वहाँ वहाँ से यूपीसी ने क्वेश्चन निकाले ये तो बात थी ओवरऑल बात करें एनसिस की लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें पेपर थ्री के अंदर मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे भाई इस क्वेश्चन फलाने क्वेश्चन से ये ये पॉइंट्स आपको लिखने तो आपको हम मार्क्स मिलेंगे उसके लिए हैव सम वेट फॉर द वन और टू वीक्स कोचिंग वाले आएंगे अपनी डेफिनेटली दुकान ओपन करेंगे तो वो आप बताएंगे कि पॉइंट तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं, जो मेरा मेन फोकस वही है कि दो के जो स्टूडेंट्स हैं जो लड़ने की कोशिश करेंगे यार नहीं सेल्फ स्टडी लेके, लेके पढ़ाई करनी है और डेफिनेटली अच्छी रैंकिंग निकालनी है तो मैं कैसे स्टडी करूँ आगे कौन सी मैं स्ट्रेटेडी अपनाऊंगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको ये वीडियो उससे रिलेटेड हेल्पफुल रहेगी बाकी मैं इसकी पी फाइल मैं कमेंट मैं कमेंट में दे रहा हूँ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आपको सारी सारी चीज़ें जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे देखिए ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि यार पेपर वाज नॉट सो ईजी ऐसा नहीं है कि जस्ट दिखने में ईजी लगे हाँ दो चार क्वेश्चन देख ले स्टार्टिंग में आगे वो इक्लूसिव ग्रोथ है तो मैं फट्टे मार दूंगा इसमें एक से एक चीज लिख दूंगा नहीं पेपर वॉज मॉडरेट लेवल यूपीएससी ने हमेशा से अपना स्टैंडर्ड बना के रखा है और एक चीज़ और कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी है लेकिन वाइल राइटिंग विद इन अ टाइम विद इन सेवन मिनट सेवन टू एट मिनट क्वेश्चन पढ़ना है लिखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वो पॉइंट्स याद रखना है एग्जाम हॉल के अंदर रिकॉल करना है ट्रस्ट मी अगर आपको दस क्वेश्चन याद हैं दस पॉइंट्स याद हैं एग्जाम हॉल में बैठते बैठते ना दो ही पॉइंट्स याद रहते हैं फिर आदमी फिर वही बनाना स्टार्ट करता है फिर बना बना के लिखना स्टार्ट करता है यही होता है सभी के साथ चाहे मेरे साथ हुआ सभी के साथ यही होता है तो गाइज ये रिकॉल करना इन अ टाइम लिमिट बहुत मुश्किल है तो इस चीज़ को याद रखें जो लोग सोच रहे हैं जिन्होंने अभी पेपर नहीं दिया दो अठारह के लिए सोच रहे हैं कि हाँ पेपर बहुत ईजी था बॉस ऐसा कुछ नहीं है आप करके तो देखें आपको पता चल जाएगा कि आपको रीबटल्स नहीं मिलेंगे पॉइंट्स कलेक्ट करने में खैर देखिए गाइस क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं तो हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन उठाए गए हर एक सेक्शन को इन्होंने बड़े ही अच्छे से बड़े अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन निकाले और साइड टू साइड ये बोलूंगे लिटिल बिट मोर एनिटिकल था इस बार का पेपर लास्ट ईयर के हिसाब से अगर कंपेयर करें थोड़ा सा तो इस बार बहुत ज़्यादा मोर एनिटिकल था अगर इस अगर हम इस पेपर को अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं साथ में ये भी था कि देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको लगता लगता होगा लाइक इजी थे लाइक स्टेम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था देखिए वो अगर आपको कोई फैक्ट से याद है तो आप लिख देंगे फैक्ट्स याद नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते उससे रिलेटेड तो ये बोलते हैं इसको बोलते हैं लिटिल बॉन्स क्वेश्चन कुछ टाइप के कि भाई फैक्चुअल टाइप के हैं हल्का से याद है तो लिख पाएंगे अदरवाइज कुछ नहीं फिर वो ब्लैंक ही जाएगा वो क्वेश्चन तो गाइज ऑल द क्वेश्चन आर करंट बेस्ड ये भी पूरा पूरा ये भी पता चलेगा कि भाई एक साल से रिलेटेड अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स अच्छे से रिलीसली बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो हॉट टॉपिक्स जो हमेशा से न्यूज़ में था एक्सपेक्टेड था कि जीएसटी तो आएगा आएगा ये एक्सपेक्टेड हर किसी को होगा मैनुफैक्चर से रिलेटेड मेक इन इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर और बजट से रिलेटेड ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं हमेशा आपको खुद जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो बट गाइज ये भी था कि मार्क्स इस बार चेंज हुए इस बार पैटर्न देखें तो दस और पंद्रह का वेरिएशन हमें देखने को ज़्यादा मिला है लास्ट ईयर देखें तो साढ़े बारह साढ़े बारह पे गेम चल रही थी लेकिन इस बार दस और पंद्रह के मार्क्स यानी कि यूपीएससी की अगली बार कुछ और भी हो सकता है शायद बीस मार्क्स का कर दे शायद हो सकता है पाँच मार्क्स का कर दे तो हर बैटल के लिए अपने आपको अभी से ही तैयार रखना जो है अभी अभी से ही जो है तैयार करना अपने आपको स्टार्ट कर दें है एनालिटिकल सेक्शन ये कहता है कि इंडियन इकोनॉमिक से अगर देखा जाए तो 110 मार्क्स से क्वेश्चंस आए अगर बात करें ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी से अगर देखें तो कहीं ना कहीं 50 मार्क्स से क्वेश्चंस हमारे बने बनेवामेंटल इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट अगर इनको मैं कंपेयर करूँ तो फोर्टी मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आए और साइंस एस टेक्स से अगर देखें तो पैंतीस मार्क्स प्लस अगर देखें तो जी एस पेपर मन में भी मन में भी एक जूनो वाला है तो उसको भी ऐड कर लें तो साइंस टेक्स भी काफी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं और बजट से भी एक क्वेश्चन निकाला गया जो पंद्रह मार्क्स का था तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक हिस्से भारी बढ़ी रही साइड टू तो साइड इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते तो ये यहाँ से क्वेश्चन निकाले गए और बड़े ही बेखूबी के हिसाब से जो है क्वेश्चन जो है देखा जाए तो निकाले गए बाकी इस पेपर की देखिए मैं लिंक्स मैं आपको कमेंट दे रहा हूँ ऑफकोर्स ये भी मैंने भी कहीं से उठाया ही है तो वहीं से बस बाकी स्ट्रेटजी क्या हो वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए न्यूज़पेपर विद द नोट मेकिंग स्पेशली फॉर द जीएस पेपर टू जीएस पेपर थ्री एंड सम जीएस पेपर वन स्पेशली फॉर द सोसाइटी भाई रिलेसिड नोट्स अभी से बनाना सीरियस हो जाओ न्यूज़पेपर पेपर ये नहीं कि जस्ट पढ़ रहे हो चाय पी रहे हो फिर पढ़ रहे हो फिर, फिर छोड़ दे रहे आधा पढ़ लिया छोड़ो यार बाद में पढ़ लेंगे ऐसा नहीं नोट्स अभी से बना के चलेंगे सात महीने कम नहीं होते बॉस बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है और ऐसे ऐसे धुलंदर भी हैं जो क्रैक करके भी निकल जाते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें योजना पी एंड विकास पीडिया एक साइट है वेबसाइट इसको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें क्योंकि विकास पीडिया से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं जैसे कि मुझे लग रहा है तो ये आप आपके लोगों के लिए रामबाण की तरह होगा एक तरह से समझ लीजिए कि योजना पी और, और विकास पीडिया पर बिल्कुल पैनी नज़र आप हाँ लोगों की होनी चाहिए ट्राई टू ट्राई टू रीड इकोनॉमिक सेशन टॉपिक टू टॉपिक अ ऐसा नहीं कि जस्ट चैप्टर चैप्टर मिसिंग उठाई और चैप्टर चैप्टर नहीं ट्राई टू गो विद द टॉपिक टॉपिक अगर मैनुफैक्चरिंग टॉपिक उठाया तो पहले उसको बेसिक खत्म करो फिर उसको ये सोचो करंट से कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं फिर क्वेश्चन को खुद अपने से लिखना स्टार्ट करो जब से लिखना स्टार्ट करोगे ट्रस्ट में फिर उसका आंसर ढूंढोगे तो बड़ा मजा आएगा तो ये नहीं कि जस्ट पढ़ लिया किसी का कुछ और कैप्सूल पढ़ लिया और हो गया नहीं अब आपको खुद एंडिकल करना स्टार्ट करना पड़ेगा जब भी जो बोलें दो हज़ार अठारह के लिए आपको ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे रहेगा मेक सेपरेट नोट्स लाइक लाइक इंडियन इकोनॉमिक एक अलग से एक आप एफ शीट पर बना लें या फिर स्पैरल के हिसाब से जैसा आपको लगता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट साइंस है इनको हमेशा अलग अलग सेपरेट नोट्स बना के रखें डोंट मिक्स विद दैम एस आल्सो और मैं ये बोलूँगा देखिए भाई क्वेश्चन कोशिश ये कीजिए कि राइट जो आंसर्स लिखेंगे वो दो सौ वर्ड ढाई सौ वर्ड या तीन सौ वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश कीजिए और एटलीस्ट पाँच सौ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस यहाँ से करके जाइएगा बाकी जैसे ये बोलूंगा कि देखिए हैव फेथ ऑन अपने आप को हमेशा से फेथ फेथ पर बना के रखें बिलीव इन योर और बी ओरिजिनल यही हमेशा से सक्सेस मंत्र है हमेशा से किसी भी एग्जाम का तो गाइज थैंक यू थैंक यू फॉर युवा वीडियो